नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैनी जी यूट्यूब चैनल। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि काइन मास्टर में कैसे एडिटिंग करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, ये वीडियो मैंने काइन मास्टर से ही एडिट किया है और काइन मास्टर का यूज करना मैं इस वीडियो में आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। उसके साथ में मेरा एक वीडियो है जो एडिट करके आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टेप टू स्टेप देखते रहें और काइन मास्टर पर एडिट करना आप सीखते रहें। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं, काइन मास्टर के कई वर्जन होते हैं जो मेरे पास में है, इस वर्जन से मैं एडिट करके दिखाऊंगा। सभी वर्जन में ऐसे ही काम होता है, तो चलिए सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में काइन मास्टर से एडिटिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो काइन मास्टर, ये देख सकते हैं आप, ये काइन मास्टर के बहुत सारे वर्जन हैं। आपके पास में इनमें से कोई भी वर्जन है काइन मास्टर का तो उसमें सेम एडिटिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी है काइन मास्टर सॉफ्टवेयर तो जल्दी से आप प्ले स्टोर में जाएँ और इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, ये जो ऊपर लिखा हुआ है काइन मास्टर, ये लिखेंगे तो इनमें से जो आपको लोगो दिखाई दे रहा, कोई भी एक लोगो दिखाई देगा जो आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर होता क्या है, फ्री में जब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये जो एक नंबर लोगो दिख रहा है, ये वाला आपको सॉफ्टवेयर वहाँ पर मिलेगा, ये इंस्टॉल कर लें। उसमें हालांकि वाटरमार्क आता है, वाटरमार्क हटाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वाटरमार्क बिगर हटाए वाटरमार्क सहित भी आप वीडियो एडिट करके कहीं भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बस यहाँ पर छोटा सा नाम लिखा होता है कोने में, काइन मास्टर, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही काइन मास्टर को आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके की विंडो आपको दिखाई देगी। देखिए, इसमें सबसे पहले YouTube के लिए अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करनी है, ये साइज, इस पर क्लिक करेंगे, 16:9 वाली, ठीक है, 16:9 वाली ये साइज आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये साइज सेलेक्ट करने के बाद में आगे जैसे ही आपकी विंडो ओपन हो, ये देखिए इस तरीके से आपकी जो है काइन मास्टर ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करते ही ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर प्लस पर इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर से आपको सेलेक्ट क्या करना है, इम्पट्टी प्रोजेक्ट, इम्पट्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इम्पट्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडिया ब्राउजर पर ओपन करना है। देखिए, ये ऑप्शन है मीडिया ब्राउजर, इसमें जैसे ही ओपन करेंगे आपकी गैलरी में ओपन हो जाएगा और जो वीडियो आपको एडिट करना है वो वीडियो आप उठा लेंगे। जैसे मुझे ये वीडियो मैंने शूट किया है और इसमें एडिटिंग करनी है, तो इस वीडियो को देखिए आप, पहले तो इसको, इस वीडियो को ऐसे छोटा कर सकते हैं, दोनों ओर से क्या करेंगे, इसको जूम इन करेंगे, ठीक है। ऐसे जूम होता है, ऐसे जूम इन होता है, तो जूम इन कर लेंगे इसको, जूम आउट न करके। ये देखिए बहुत बड़ी टाइमलाइन आ जाती है ऐसे फैलाते हैं तो, लेकिन इसको छोटी करके टाइमलाइन को ऐसे छोटी कर लेंगे, ठीक है। अब ये पूरा वीडियो 5 मिनट 5.5 मिनट के लगभग है, इतनी सी टाइमलाइन में आ गया, सारे को हम देख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अगर आता है तो एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसको छोटा कर लिया टाइमलाइन को। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मान लो मुझे, देखिए शुरुआत में इसको चला के देखना है कि शुरुआत में कैसे स्टार्टिंग है, कहीं समय जो है स्पेस तो नहीं है कि बोलने से पहले। जय हिंद साथियों, नमस्कार, ठीक है। अगर यहाँ पर वेस्टेज होता कोई भी, मान लो मैं जब बोल रहा हूँ तो उससे पहले भी समय, तो उसको मैं क्रॉ यहाँ से कट कर सकता था, ट्रिम कर सकता था उसको। इसके अलावा लास्ट में देखना, लास्ट में वाले पहले जो है प्राइवेट या देखिए न करके नॉन कॉलेज आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से न करें, रेगुलर करें तो बेटर होगा, ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए यहाँ तक, धन्यवाद तक मैं इसको काटना चाहता हूँ, देखिए आगे ये न दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कहाँ तक बोल रहा है, माध्यम से न करें, रेगुलर करें तो बेटर होगा, ठीक है, धन्यवाद। अब इसको पॉज कर दिया, रोक लिया। अब इसी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सेलेक्ट हो गया, ऑप्शन खुल गए। देखिए यहाँ पर जो कैची का यहाँ पर इस तरीके का निशान बना हुआ है एक नंबर वाला, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आ रहा है यहाँ पर ट्रिम या स्प्लिट। तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए अपने को यहाँ पर देखना है कि ये लास्ट का है, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पर समझाया गया अगर लास्ट के पार्ट को काटना है पूरे को तो इस पर क्लिक करेंगे, और इधर जो लेफ्ट वाला है उसको काटना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो मुझे लास्ट वाले या राइट वाले को काटना है तो मैं 2 नंबर पर क्लिक कर दूंगा, यहां पर देखिए ये 2 नंबर नीचे वाला है ना, इसको क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक किया, ये पूरा पार्ट जो है लास्ट वाला पार्ट कट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट में धन्यवाद तक के आगे का पार्ट कट गया, देखिए 5
5 मिनट और 41 सेकंड का हो गया है वीडियो, 46 के लगभग था, ठीक है। ये तो यहाँ से इस तरीके से वीडियो में जो पार्ट है हटाना चाहते हैं वो उस तरीके से आप हटा सकते हैं। अगर बीच में से आप हटाना चाहें तो इसको ऐसे क्लिक कर लेंगे और इस पर क्लिक करके देखिए स्प्लिट एट प्ले हेड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कट गया, यहाँ से दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, जैसे ही इस पर क्लिक कर, ठीक है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से क्लिक कर लिया और इसको वापस आप लेफ्ट या राइट को ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको बैक करना हो तो देखिए कोने में ये जो ऊपर निशान बना हुआ है उसको वापस जैसा था वैसा हो गया। अब देखिए एडिट करने में सबसे पहले अपने को क्या करना, मान लो मुझे यहाँ पर इस पर लोगो लगाना है, तो आपके चैनल का लोगो आपके पास में है तो गैलरी में जाएंगे। जैसे मेरे पास में गैलरी में ये लोगो है बनाया हुआ ऑलरेडी, तो ये लोगो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको छोटा कर देंगे और एक जगह सेट कर देंगे कहीं भी। ये देखिए इस तरीके से आप इस लोगो को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो है स्क्वायर में है, अब इसको पूरे वीडियो में ये आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे इस लोगो पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और ऐसे खींचते हुए ड्रैग करते हुए पूरे वीडियो तक ले जाएंगे, लास्ट तक ये आ गया। अब पूरे वीडियो में ये लोगो दिखाई देगा, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्क्वायर में है तो मैं इसको राउंड में कट करना चाहता हूँ, तो इस पर फिर क्लिक करूंगा। क्लिक करके देखिए ये क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और ये साथ देखिए यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं, लेकिन राउंड में करना है तो इस पर क्लिक कर दिया और ये देखिए राउंड में हो गया है लोगो, और ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इस तरीके से यहाँ पर ये आप लोगो सेट कर सकते हैं एडिट करके, नंबर एक बात। अब इसके अलावा जो नई एडिटिंग यहाँ पर देखिए, आप अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर मुझे मेरे चैनल का जैसे यहाँ पर सब्सक्राइबिंग बटन लगाना है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ग्रीन स्क्रीन बनाई हुई है, इनमें से कोई ये क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्रोमा की का यूज करके इसको ग्रीन इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद में देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, ये देखिए इसको छोटा कर सकते हैं, अपन चाहें जहाँ पर सेट कर देंगे, मान लो यहाँ पर आना चाहिए ये, ठीक है। इसकी वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ऐसे क्लिक साथ में कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप बीएड के साथ में एमए करना चाहते हैं तो निसंदेह आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर सेलेक्ट करके आप इसकी आवाज बढ़ा सकते हैं, देखिए ये वॉल्यूम का है तो इस पर ऐसे करके आप दुगुनी वॉल्यूम यानी 200% का मतलब दुगुनी हो गई। लेकिन आप मैं मान लो यहाँ पर 175 कर देता हूँ, इसकी दुगुनी करते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी जो है ज़्यादा भारी आपकी आवाज़ हो जाती है या फटने की सी आवाज आती है, तो पूरी यहाँ पर 200% आपको नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी लो रख लेंगे, ठीक है। जैसे 175 कर दिया मैंने, अब देखिए इसकी आवाज़। जय हिंद साथियों, नमस्कार, खूब खूब स्वागत। इस तरीके से पूरे वीडियो की वॉल्यूम आपकी बढ़ चुकी है, इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कोई फ़ोटो जोड़नी हो तो फोटो भी आप यहां से लेयर में जाके अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और आप अपने वीडियो में कोई भी फ़ोटो कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं ऐसे जूम आउट और जूम इन करके, या काटना चाहें तो यहां पर क्रॉप का ऑप्शन करके यूज़ करके काट भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो काइन मास्टर सॉफ्टवेयर है इसमें एडिटिंग पूरी तरीके से आपको सिखाऊंगा, तो लगभग ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा तो 1 घंटे का वीडियो होगा। इसके लिए यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, आपके सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, और किसी भी तरीके से जैसे वीडियो में कहीं भी आपको लाइक लगाना है, लाइक का बटन तो यहाँ से क्लिक करेंगे, और आपने कहीं इमेज आपने सेव की हुई है तो इमेज ले सकते हैं इनमें से। जैसे मैंने मेरे मोबाइल में पहले से ये लाइक की PNG सेव है, तो इसको देखिए इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, इसको छोटी बड़ी जितने वीडियो में आप रखना चाहें रख सकते हैं। और देखिए एनिमेशन यहाँ से दे सकते हैं, देखिए ये राइट से आएगा, ये पॉपअप होगा और यहाँ पर देखिए स्लाइड अप हो जाएगा, इसमें इस तरीके से एनिमेशन लगेंगे, तो इस तरीके से ये आएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पर जाते टाइम में भी देखिए ये आउट एनिमेशन है, ये आप इसमें लगा सकते हैं, जब जाएगा तो किस तरीके से जाएगा, लास्ट में पूरा टाइम हो जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, देखिए आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है, कोई भी इसमें से एक एनिमेशन स्टाइल आप रख सकते हैं। बहुत सारी एनिमेशन स्टाइल हैं दोस्तों, इनमें से आप सभी का यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी एनिमेशन स्टाइल में आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, वही आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इतनी देर में आपने एमएससी की डिग्री या एमकॉम की डिग्री कोई भी आप इनमें से कर, और देखिए जाते टाइम में यहाँ से ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये इस प्रकार के बटन लगा सकते हैं, लाइक शेयर वाले, और